वेलकम टू द चैनल गाइस। ध्यान से देखें इस वाले यंत्र को जिसको हम यूएसबी लाइट कहते हैं। तो ये वाला लाइट हमने कैसे बनाया उसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। तो इसको बनाने के लिए हमें पहले एक डेटॉल एंटीसेप्टिक का बोतल चाहिए होगा, जिसे आपको कचरे के डिब्बे से उठा लेना है। फिर हमें इसका जो साइड वाला ये वाला पार्ट है उसको अच्छे से काट लेना है। काटने के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें सैंड पेपर के ऊपर इसे लेके ऐसे घिस लेना है। लाइट के लिए आपको ये वाला एलईडी पैनल या फिर ये वाले बटन एलईडी चाहिए होंगे। मैं ये वाला एलईडी पैनल उठा लूँगा क्योंकि ये मुझे कचरे के डिब्बे में ही मिला था। तो डेटॉल का जो बॉटल का शेप था उसका मेजरमेंट्स लेके हम इसको अच्छे से काट लेंगे। ये जो रिफ्लेक्टर आप देख रहे हैं वो भी इस एलईडी पैनल के साथ ही अटैच था। फिर हमें एलईडी पैनल में से भी थोड़े एलईडीज काट लेने होंगे। इसके लिए मैं कटर से एक निशान लगा देता हूँ क्योंकि मार्कर काम नहीं कर रहा। पेपर कटर से मार्क लगाने के बाद हम एक हैक्सो ब्लेड से इसको अच्छे से काट लेंगे। काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे शेप दे देना है। तो रिफ्लेक्टर और एलईडी का जो पैनल था उसे जॉइन करने के बाद ये ऐसे दिखेंगे। इसके बाद मैं एक यूएसबी केबल का टुकड़ा ले लूँगा और उसका जो मेन कॉम्पोनेंट है उसको निकाल लूँगा। तो इधर हमें टेस्ट करके पॉजिटिव और नेगेटिव आइडेंटिफाई कर लेने हैं। फिर हमें एलईडी पैनल का जो दो ऐसे लाइन थे उन पर स्क्रैच करके पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल लेने हैं। फिर हमें इन पर प्री सोल्डर कर लेना है। और ये है 4007 डायोड्स जिनको मैंने CFL के सर्किट से निकाल लिया है। इनको आप ऐसे सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मैं इन डायोड का हिसाब लेके एलईडी पैनल पे ऐसे प्री सोल्डर कर लूँगा। डायोड का जो सिल्वर साइड है वो दोनों डायोड का सेम डायरेक्शन पे होना ज़रूरी है। फिर हमें जो सिल्वर साइड है डायोड का उसको बाहर की तरफ रखते हुए इनको एलईडी स्ट्रिप पे सोल्डर कर लेना है। फिर हम यूएसबी वाला पिन को भी डायोड के साथ और एलईडी का जो पॉजिटिव साइड है उस पे सोल्डर कर लेंगे। सब होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके बाद हमें थोड़ा सा सुपर ग्लू भी डाल देना है। रिफ्लेक्टर का जो पीस है वो अच्छे से फिट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने डायोड अटैच कर दिया है। तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा साइड की तरफ से काट लेना होगा। तो सब करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अभी हमने जो डेटॉल के बोतल का पीस लिया था उसको ऐसे रख के मेजरमेंट्स ले लेने हैं और मैं इसको अच्छे से काट लूँगा। और फ्रेंड्स, 98% से ज़्यादा लोग जो HGO's DIY चैनल को देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार सब्सक्राइब करो और HGO's DIY फैमिली में शामिल हो जाओ। अभी हम एक इलेक्ट्रिक पाइप का पीस ले लेंगे या फिर कोई भी प्लास्टिक पीस जो ऐसा होगा चलेगा। फिर हम मेजरमेंट्स लेके इसको काट लेंगे। यूएसबी पिन और एलईडी पैनल को ऐसे चिपका लेंगे। उसके बाद हमने जो डेटॉल का बोतल का पीस लिया था उसको ऐसे रख के ऐसे सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेंगे और हमारा यूएसबी लाइट तैयार है। तो दोस्तों, आपको ये वाला यूएसबी लाइट का डिज़ाइन कैसा लगा आप उसे बताइए हमें कमेंट सेक्शन पे। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। और अभी हम इसको एक मोबाइल के चार्जर पे लगा के टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं
ये वाला 5 वोल्ट का चार्जर भी अच्छे से जल रहा है। मेरा कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे टेबल पे रखे हुए सारी चीज़ों को दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं इसको कंप्यूटर पे लगा के भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सीपीयू पे इसको कनेक्ट कर लिया है, तो ये कुछ ऐसे रोशनी देता है और ये काफ़ी अच्छा है। अभी हम इसको पूरे रूम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको डिम लाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिम लाइट से ज़्यादा रोशनी फेंकता है। आप एक OTG की मदद से इसको मोबाइल पे भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसको मोबाइल पे ऐसे कनेक्ट कर लिया है और ये काफ़ी अच्छी रोशनी फेंक रहा है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि हम इसको टॉर्च की जैसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये वाला सिर्फ हमारा USB लाइट की रोशनी है और ये काफ़ी दूर तक विजिबल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये USB लाइट का डिज़ाइन पसंद आया और अगर आपको ना भी आया तो आप कमेंट सेक्शन पे कुछ सजेशंस दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वाले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।